दोस्तों आप सभी का स्वागत है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, आज हम आपके लिए लाइव प्रूफ लेके आ चुके हैं, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी किस्तें मिल चुकी है। यानी कि पांच किस्तों के माध्यम से दो दो हजार रुपए, कुल 10,000 रुपए किसानों को मिल चुके हैं। आज लाइव प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि काफी मेरे को कमेंट आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है हमें पहली किस्त मिली है, हमें दूसरी किस्त, हमें तीसरी किस्त, हमें चौथी किस्त, लेकिन अभी तक पांचवी किस्त नहीं मिली है। तो दोस्तों वो आपका जो कन्फ्यूजन है उससे मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ और लाइव प्रूफ वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अब तक इस स्कीम में 10,000 रुपए मिल चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों आप भी घर बैठे अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको भी 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप अपने घर बैठे मोबाइल फोन से किस प्रकार से अपने अकाउंट का स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपको अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी है। अगर आपको एक भी पैसा नहीं मिला है तो आपके अकाउंट में क्या गलती है, क्या त्रुटि रह गई है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिला है। अगर इन तमाम जानकारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वॉच करें, पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पल पल की अपडेट आपको बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ जानकारी आपको मुहैया कराई जाएगी। इसी के अलावा गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा दोस्तों, आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, साथ में हमारे चैनल का नाम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप जैसे इस रेड सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सब्सक्राइब जो है ब्लैक सब्सक्राइब में बदल जाएगा, तो इसका मतलब आप हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस तरीके से एक छोटे से घंटे का निशान भी इसके जस्ट आगे सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप इसे ऑन कर पाएंगे। इसके राइट साइड में इस तरीके से दो सिंबल आने का मतलब आपने ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया है। अब दोस्तों आपको जैसे ही कोई भी जानकारी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे YouTube चैनल का वीडियो मिलेगा, जिसमें आप वो जानकारी देखकर आप उस स्कीम का लाभ सबसे पहले ले पाएंगे। और दोस्तों जानकारी पसंद आती है तो इस तरीके से थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी प्राप्त हो पाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है, गूगल का न्यू पेज जो है आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस तरीके से किसी भी ब्राउजर के अंतर्गत गूगल का न्यू पेज ओपन करेंगे तो आपको एक साइट टाइप करनी है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल साइट है, इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं या आप टाइप कर सकते हैं pmkisan.gov.in। आप दोस्तों स्मॉल अक्षर में ये टाइप करेंगे pmkisan.gov.in तो आप इस तरीके से यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट के होम पेज पे आएंगे। जैसे आप साइट के होम पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे NIC के नीचे ये जो ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पे आपको वाइट कलर के काफ़ी ऑप्शन होंगे, जैसे होम, अबाउट स्कीम, गाइडलाइंस, PMKMY, लेटर, FAQ, फार्मर कॉर्नर, कॉन्टैक्ट, लॉग इन, डाउनलोड, KCC फॉरम। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको फार्मर कॉर्नर, आपको इसके पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से 6 ऑप्शन ओपन हो गए। इन तमाम ऑप्शनों का अलग अलग उपयोग है, अगर आप इन तमाम ऑप्शन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, आप सरकारी योजनाओं की प्लेलिस्ट में आपको हर जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको बेनिफिशियरी स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से नेक्स्ट पेज जो है ओपन होगा। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन किया था तो आपने अपना अकाउंट नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर,
तीनों ही आपने उसमें उपलब्ध कराए थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो उपलब्ध कराया है जिसमें आपको जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आप जो है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इस तरीके से आपको आइकन दिखाई देगा, इस वीडियो के आई बटन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ से मैंने लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताई है, तो आप यहाँ पे जाइए और ये वीडियो वॉच करें अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, तो आपके पास जो भी उपलब्ध है, चाहे आधार नंबर हो, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको गैर डाटा के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे किसान का आपको बता देता हूँ कि 5,000 रुपये मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर उस किसान का डाल दिया है। उसके बाद गैर डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना है, अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर जो भी आप डालेंगे। और उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे गैर डाटा के ऊपर, तो उस किसान की संपूर्ण डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे आप उसे ओपन करेंगे, तो चलिए हम इससे और थोड़ा सा इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे उस किसान का नाम दिखाई देगा, अपना खुद का नाम आप देख पाएंगे, अपने मोबाइल नंबर, राज्य से सारी डिटेल आप यहाँ पे देख पाएंगे, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। उसके बाद नीचे देखेंगे कि आपकी स्कीम एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद आपका बैंक द्वारा रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया, आधार नंबर आपका वेरीफाइड है या नहीं है। इतना देखने के बाद आप नीचे आएंगे, तो नीचे आपको किस्तों के बारे में दिखाई देंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 किस्तें दिखाई दे रही हैं। चलिए मैं जूम करके एक किस्त आपको दिखा दूँ। तो आप पहली किस्त देखेंगे यहाँ पे डन मिल चुकी है, सेकंड किस्त भी यहाँ पे मिल चुकी है 2019 में, उसके बाद तीसरी किस्त भी 2019 में प्रोवाइड हो चुकी है, उसके बाद चौथी किस्त जो है 2020 में मिली है और 5वीं किस्त 8 अप्रैल 2020 को प्रोवाइड कराई गई है। तो इस तरीके से अब तक 5 किस्तों के माध्यम से कुल 10,000 रुपये की राशि जो है प्राप्त हो चुकी है। अब आपका डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, काफ़ी किसानों को 5 किस्तें मिल चुकी है और काफ़ी किसानों को 1, 2, 3, 4 किस्तें मिली है। इसका कारण यही है कि जिन किसानों ने लेट आवेदन किया है उनको कम किस्तें मिली है, जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया था उनको ज़्यादा किस्तें मिल चुकी है। तो दोस्तों जैसे जैसे आवेदन करेंगे उसी हिसाब से किस्तें यहाँ पर मिल पाएंगी। जिस दिन से आप आवेदन करेंगे उस दिन से आपको आगे मिलने वाली जितनी भी किस्तें हैं वो आपको मिल पाएंगी। इससे पीछे की जितनी भी किस्तें मिल चुकी है वो किस्तें आपको नहीं मिल पाएंगी। हालांकि उससे पीछे की एक किस्त ज़रूर आपको मिल सकती है, यानी कि आपने अब आवेदन किया है, जैसे अब 5वीं किस्त आ रही है तो आपको 4थी किस्त ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी किसानों को 2 किस्तें साथ आई हैं, 4थी और 5वीं। तो दोस्तों ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको 5ों किस्तें अगर आप अब आवेदन कर पाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगी। अब सिर्फ आपको 2 ही किस्तें मिल पाएंगी, यानी कि अब आपको सिर्फ 4,000 रुपये ही मिल पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है यहाँ पे चेक कर पाएंगे अपने अकाउंट की स्थिति। इसके अलावा दोस्तों अब हम आप चेक करना चाह रहे हैं, आप बेनिफिशियरी लिस्ट के अंतर्गत अपना नाम, यानी कि उस लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाह रहे हैं जो लिस्ट नई अपडेट की गई है। तो आप यहाँ पर लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल भरनी है, जैसे अपने राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज। यहाँ पे आप सबसे पहले अपने राज्य का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश डाल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल लिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पर आगरा डालता हूँ। आगरा के जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे सामने आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर आगरा ही डाल लेता हूं। उसके बाद आगरा के जितने भी ब्लॉक हैं हमारे सामने आ चुके हैं, तो मैं अकोला ब्लॉक की आपको बता दे रहा हूं, मैंने अकोला ब्लॉक सेलेक्ट किया है। उसके बाद अकोला ब्लॉक के जितने भी गांव हैं सारे यहां पे आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं यहां पे अकबरपुर गांव की आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर अपना राज्य डालेंगे, अपना ज़िला, सब डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक, अपने गाँव का नाम, और उसके बाद गैट रिपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए गैट रिपोर्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, पेज जो है रिफ्रेश होगा। जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है तो आपको यहाँ पे उस लिस्ट, अपने गांव की लिस्ट दिखाई देगी, जिन लोगों ने अभी तक इसके लिए अप्लाई किया है, जिन लोगों को किस्त मिल रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी बिल्कुल लाइव पुख्ता सबूतों के साथ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को 1,000 लाइक जरूर प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि इस वीडियो को अभी आप सभी लाइक करेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है, अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप बेझिझक डिसलाइक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार से जानकारी चाहिए, पल पल की अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिस्ट के अंतर्गत नाम देख पाएंगे, अपना सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पर फार्मर नेम और यहाँ पर जेंडर।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाबेट के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट अपलोड कर रखी है। तो एक लिस्ट में आपको 50 कैंडिडेट्स के नाम से होंगे, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज करके भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज करते हैं, थर्ड पेज के ऊपर हमने क्लिक किया है तो हमें 150 कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे प्राप्त होगी। देख सकते हैं 150 नंबर पे रामेश्वर प्रसाद का नाम आ चुका है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो इसका मतलब आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको 100% 10,000 रुपये जो आपको दिए जाएंगे यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली तमाम किस्तें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो आशा करता हूँ कि मिलेंगे इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए किसान यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।